जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं पंजाब की सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो कि पुरानी दिल्ली से अमृतसर जंक्शन तक चलाई गई है। और इसका उद्घाटन 30 दिसंबर को श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। टोटल 6 वंदे भारत खोली गई थी और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस खोली गई थी, जिनका मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी दिखा दिया। अभी मैं आ चुका हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में, जो कि कुछ ऐसा खूबसूरत सा बना हुआ है। यहाँ पर उद्घाटन की कुछ डिटेल्स भी दी गई हैं और स्टेशन कुछ ऐसा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 एंट्री करते ही आपको लेफ्ट साइड मिलेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, इसलिए मैंने सोचा आपको समझा दूँ। ये प्रीमियर लॉन्च के साइड से आपको जाना है, चलते हैं वहाँ पे, वंदे भारत दिखाता हूँ। इस जर्नी को आप लोग एंजॉय करिए, क्योंकि ये पहली वंदे भारत है जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के इतना करीब जाती है। अमृतसर पहुँच के आपको वो भी बताऊँगा कि कैसे आप बॉर्डर वगैरह पहुँच सकते हो। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको वो भी देख सकते हो। चलिए इस वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी को मेरे साथ एंजॉय करिए। बाकी यहाँ पे मंडोर एक्सप्रेस जो लेकर आई थी लोकोमोटिव्स खड़े हुए हैं, और आश्रम एक्सप्रेस यहाँ से बन करके वो जाएगी। अपने प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 है ना, वो ऐसे हैं कुछ टर्मिनल प्लेटफॉर्म से, इसके आगे ट्रेन वगैरह नहीं जाती है। और वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 2 से छूटती है अपनी, सामने खड़ी हुई है वहाँ पे, देखिए काफ़ी खूबसूरत लगती है देखने में। और अब इंडियन रेलवे की शान तो यही है फास्टर कनेक्टिविटी के लिए। इसी गाड़ी ने हमारी जान बचाई थी अभी कुछ दिन पहले, जब पद्मावत एक्सप्रेस हमारी छूटने वाली थी, तो ऐसे ही हम लोग भी पहुंचे थे लास्ट के 2 मिनट में, जब ट्रेन पकड़ी थी हम लोगों ने। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही पहले पाकिस्तान के लिए हमारी समझौता एक्सप्रेस निकला करती थी, अटारी स्पेशल ट्रेन, देखो यहीं से निकलती थी। और वहाँ पे उर्दू में भी लिखा हुआ है, वो देखिए ट्रेन नंबर 4001। कड़ी सुरक्षा के बीच में, पहले यहाँ पे जाली वगैरह पूरी लगी रहती थी, और वहाँ पे देखो सिक्योरिटी चेक के लिए ना वहाँ एक गेट बना हुआ था, केवल जिन पैसेंजर के पास पासपोर्ट है और टिकट होता था वही अंदर अलाउ होते थे कस्टम्स वगैरह के चेक के बाद। और फिर वो कड़ी सुरक्षा के साथ यहाँ आते थे इस एरिया में, यहाँ उनके बैठने वगैरह की व्यवस्था थी। अब वो ट्रेन तो खैर बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे अपनी वंदे भारत है, अटारी तक तो नहीं पर हाँ अमृतसर तक ज़रूर जाती है। और आपको अमृतसर से अटारी के लिए ट्रेन कनेक्टिविटी मिल जाती है एकदम पाकिस्तान बॉर्डर तक। वाघा बॉर्डर पे हम लोगों ने परेड वगैरह भी देखी थी, वो आपने शायद मेरे साथ एंजॉय की हो। जिन लोगों ने नहीं देखा है, भाई डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वाघा बॉर्डर का, वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको मज़ा बहुत आएगा। एग्जीक्यूटिव क्लास कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे, आप देख लो सुविधाएं, ऑटोमेटिक डोर्स वगैरह हैं। बहुत बार आपको मैंने इंटीरियर्स दिखाए हैं, पर आज एक बार फिर से सीटों का अच्छा खासा कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप ट्रैवल कर रहा है, उनके साथ हमने एक्सचेंज किया है, तो अभी ये वाली सीट्स अपनी है, यहाँ पे 3 सीट अपने होने वाली है। तो भाई कुछ ऐसी साफ सफाई है इसके इतने दिन से चलने के बाद भी, बढ़िया है, गाड़ी अच्छी लग रही है, कम्फर्ट लेवल से लेकर सभी चीज़ आपको बताएंगे। और क्या चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं, कितना ट्रैवल टाइम है, कौन सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है दिल्ली अमृतसर रूट में, और कौन सी सबसे बेहतरीन रहती है बजट के हिसाब से, किराया वगैरह सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। 3:15 ट्रेन का डिपार्चर यहाँ से होगा, मिलता हूँ आपसे। बाकी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम लोग बिल्कुल डॉट ऑन टाइम निकल चुके हैं, और रात में 8:45 तक हम लोग अमृतसर जंक्शन पहुंच जाएंगे। कौन सी है? कितने सारे लोग देखो पटरी में, और घर भी एकदम क्लोज बने हुए हैं। बाकी जैसे ही ट्रेन अपनी खुली ना, तो रोज़ के साथ स्वागत हुआ था। एक तो हम लोगों ने खोल भी दिया, इसकी भी अनबॉक्सिंग कर दी है। बाकी पानी की 1 लीटर की बॉटल इसमें दी गई है, शताब्दी वगैरह में आपको 1/2 लीटर की बॉटल जो है वो सर्व की जाती है। इसमें अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो एग्जीक्यूटिव क्लास का आपको
2300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और वही आप अगर इसके एसी चेयर कार में ट्रैवल करना चाहते हो तो 1300 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको पे करने पड़ेंगे। तो एक कुछ ऐसा आपको यहाँ पे चार्जेस पड़ेगा, इंक्लूडिंग केटरिंग मैं आपको बता रहा हूँ जो भी रेट्स बता रहा हूँ। बाकी स्टॉप्स की बात की जाए तो ट्रेन हमारी सीधा जाके अम्बाला रुकने वाली है, उसके बाद लुधियाना, और बाकी स्टॉप मैं आपको ऐसी जर्नी के दौरान बताता रहूँगा। बाकी जो मेन मेन हॉल्ट्स हैं वहाँ तो ट्रेन को हॉल्ट दिया ही गया है, मेन चीज़ ये है कि बाकी ट्रेन से काफ़ी फास्ट। देख लो भाई, ट्रेन निकलते ही 130 रफ्तार में लगातार यहाँ पे भागने लगी, और जो सीटों का कंफर्ट लेवल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पुशबैक वगैरह बढ़िया दिया गया है यहाँ पे, और चार्जिंग सॉकेट वगैरह आप यहाँ पे देख लो ऐसे आपको मिलेंगे USB, एंड यहाँ पे जो दूसरा सॉकेट है वो कंफर्ट लेवल आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिलता है इस वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में। स्पीड का तो मैं फ़ैन हो गया, जैसे आज़ादपुर पार किया ना हम लोगों ने, ट्रेन लगातार 130 रफ्तार को छू लिया है अभी। वाटर क्रॉसिंग भाई, क्या स्पीड लग रही है इसमें 130 रफ्तार में, तो मज़ा ही आ गया यहाँ पे किसी गुड्स ट्रेन के साथ अपनी क्रॉसिंग, और वहाँ पे एक और क्रॉसिंग हुई थी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ। तो ट्रेन जब भाग रही 130 रफ्तार में तो फील हो रहा है हाँ भाई वंदे भारत में बैठे हो काफ़ी लंबे समय बाद, तो हाँ रफ्तार के मज़े ले सकते हो आप इस रूट। वो थी वहाँ पे पश्चिम एक्सप्रेस, और यहाँ हमारी ट्रेन सोनीपत जंक्शन को स्किप कर रही है। चार बजने में 10 मिनट बाकी हैं, ऑलमोस्ट 35 मिनट में ही हम लोग सोनीपत जंक्शन को स्किप कर रहे हैं दिल्ली से निकलने के बाद। सोनीपत जंक्शन को स्किप करने की बारी आ चुकी है। और अपना इवनिंग स्नैक्स भी यहाँ पे सर्व कर दिया जा चुका है, जिसमें यहाँ पे कचौड़ी है, मफिन है, ये रहा यहाँ पे कुछ मंचिंग के लिए मिक्सचर यहाँ पे दिया गया है, साथ में एक फ्रूट ड्रिंक दी गई है, एक जिंजर चाय कॉम्बो सॉस और एक सैनिटाइज़र, साथ में यहाँ पे एक चिक्की भी दी गई है, अच्छा है। और यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव क्लास में कटलरी का ऑप्शन मिलता है, तो आप चूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ें हमें कटलरी में दी गई हैं। बाकी यही बात कीजिए इकोनॉमी क्लास में, तो ये सब आपको नॉर्मल डिस्पोजेबल कप में मिलेगा। यहाँ भी चॉइस है आपके पास, आप चाहो तो डिस्पोजेबल कप भी ले सकते हो, क्योंकि कई लोगों का डाउट होता है ट्रेनों में इन सभी चीज़ों की साफ़ सफाई को लेकर, तो आपकी मर्ज़ी, आप ऑप्ट कर सकते हो आपको किस चीज़ में क्या चाहिए। इंटरसिटी ट्रेन है मेरे हिसाब से, तो मैं यही कहूँगा लग्जरी इंटरसिटी ट्रेन आप कह सकते हो, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर को सेम डे में कनेक्ट करती है और सेम डे वापस भी आ जाती है जहाँ से खुलती है। बाकी प्रीमिक्स चाय और ये ठंडा मौसम अच्छा कॉम्बिनेशन है। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ 20-25 दिन बाद दिल्ली में जब धूप निकली हो, और आज पूरे पंजाब वाले जो सेक्शन जो शुरू होगा ना, बाकी जो पूरा सेक्शन है ना, लगातार हमें धूप देखने को मिल रही है, तो आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। चाय की चुस्ती के साथ और इवनिंग स्नैक्स को एंजॉय करते हो, अपना सफर काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अब डिनर से जो एक्सपेक्टेशन है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मिलते हैं आपसे सीधा अम्बाला में, यानी अपने पहले हॉल्ट पर। करनाल का प्लेटफॉर्म स्किप बहुत तगड़ा आता है, हम लोगों ने कालका शताब्दी से लिया था, क्या गजब का स्किप होता है 130 की रफ्तार में। यहाँ पे ट्रेन अपनी कुरुक्षेत्र जंक्शन को पार कर रही है, और जल्दी हमारी क्रॉसिंग होगी अंब अंदौरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस से,
यानी अपने हिमाचल की वंदे भारत से। अब इंडियन रेलवे में बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट कर रही हैं, आपको लगातार वंदे भारत हर रूट में देखने को मिलेगी। सहारनपुर वाली जो लाइन है ना, वो अभी हमसे मर्ज हो गई है, क्योंकि लखनऊ सहारनपुर होते हुए आती है यहाँ पे अम्बाला की। वाओ, चिड़ियों के साथ भी अपने पहले दो अभी, और हम लोग अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं। गाड़ी का टाइम यहाँ पे 5:27 का था, और देख लो यहाँ पे बिफोर टाइम आ चुके हम लोग। अम्बाला पहुंचे ना तब ठंड का एहसास हुआ है, अंदर तो गर्मी थी, मतलब ब्लोअर वगैरह चल रहा था। बाकी अम्बाला से मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग चंडीगढ़ तरफ जा सकते हो, ऊना हिमाचल तरफ भी जा सकते हो, यानी आम बंदवारा वाली जो लाइन है यहीं से अलग होती है, और साथ ही साथ आप जा सकते हो यहाँ से कालका के लिए भी। शिमला वगैरह आपको जा रहे हैं तो आपको अम्बाला ही उतरना पड़ेगा, और भटिंडा के लिए भी यहाँ से लाइन गई हुई है। सहारनपुर वाली मैंने आपको लाइन दिखाई थी, इसीलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। किसी भी नॉर्मल ट्रेन से आ रहे हो, अगर आपकी कैटरिंग वगैरह ऑपरेट नहीं है, तो ई कैटरिंग के थ्रू अम्बाला में आप खाना बड़ी बड़ी कंपनियों से और हमारी रेलवे के फूड ऑन ट्रैक से मंगवा सकते हो। काफ़ी अच्छा खाना यहाँ पे सर्व होता है, साथ साथ स्टेशन में आपको यानी प्लेटफॉर्म पे आपको छोले कुलचे स्नैक्स आइटम सब कुछ मिल जाएगा। मतलब ऐसी कोई भी इशू नहीं है, दिक्कत नहीं है आपको खाने में, कोई दिक्कत इस रूट में होगी तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखना। बाकी ट्रेन बिफोर टाइम आई है तो 10 मिनट का वॉकिंग हमें मिल गया, वरना वंदे भारत में एक इशू ये रहता है ना, नॉर्मल ट्रेन में तो आप खड़े होते हो, कभी दरवाजे के पास खड़े हो, कभी कहीं खड़े हो, इसमें वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, दरवाजे वगैरह रहते हैं बंद और आप अंदर ही रह जाते हो ट्रेन के। तो हम बैठे ही हुए थे, अभी जाकर के उठे तो चीज़ें देख रहे हैं। इसके बाद अगला हॉल्ट अपना होने वाला है लुधियाना। यहाँ पे अपना डिपार्चर सिग्नल जो हो चुका है देखो, और अब दरवाजे भी यहाँ पे बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो भाई इसका हमेशा ख्याल रखना, जहाँ भी दरवाजे बंद होने वाला सिस्टम है ना, फैमिली से रह मत जाना कभी। अच्छा खासा हॉल्ट हमें यहाँ पे मिल गया रेस्ट टाइम का, क्योंकि बाकी जो चीज़ें मुझे लग रहा है अंधेरे में ही जाने वाली हैं आज, क्योंकि देख लो माल से गाड़ी निकली है, ऑलमोस्ट शाम यहाँ पे हो चुकी है, देखते हैं अंधेरा कब तक होता है। कोई तो लोकल ट्रेन यहाँ पे क्रॉस हो रही है, और वंदे भारत ने अम्बाला से निकलते ही जो पिकअप है ना वो शुरू कर दिया, और रेलवे का वेलकमिंग अनाउंसमेंट सुन लीजिए आप। फ्रॉम क्या क्या गायब, स्वागत तो कर दिया है वैसे। बाकी आप लोगों को बता दूं, वंदे भारत ये जब से चली है ना तब से काफ़ी पॉपुलर ट्रेन हो गई इस रूट की, क्योंकि ये सभी ट्रेनों से बहुत कम समय लेती है। ये लेती है 5 hours 30 minutes दिल्ली से अमृतसर के लिए दोनों ही डायरेक्शन में। शताब्दी वहीं पर लेती है 6 hours 10 minutes, एक शताब्दी जो कि फास्ट है और दूसरी जो थोड़ी सी स्लो है वो 6 hours 35 minutes, उसके बाद बाकी ट्रेनें तो 7 घंटे 7.5 घंटे, और हमारी मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस जो है वो तो 12.5 घंटे लेती है सेम रूट पर। भाई कुछ इतना जो डिफरेंस जो है वंदे भारत ने यहाँ पे आकर के बना दिया, इसलिए काफ़ी पॉपुलर ट्रेन हो गई है। इससे पहले अमृतसर से दिल्ली आना होता था ना तो सुबह 5 बजे वाली शताब्दी पकड़ने में तो आंसू आ जाते, इतने जल्दी उठो तैयार हो फिर स्टेशन आओ। बाकी अच्छा वो देखो अपनी चंडीगढ़ ऊना वाली और कालका वाली लाइन वहाँ पर अलग होगी, हम लोग लुधियाना वाली लाइन पर बढ़ रहे हैं। बाकी अब जब से वंदे भारत खुल गई ना तो सुबह 8:30 बजे खुलती है अमृतसर से, तो यात्रियों के पकड़ने के लिए बहुत बढ़िया सुविधा हो गई है। क्या भाग रही है वंदे भारत यार, यहाँ अमृतसर से निकलते ही, सॉरी अम्बाला से निकलते ही नॉन स्टॉप यहाँ पर रफ्तार का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
क्या मस्त पैरेलल हुआ यहाँ पे। सरहिंद में हम किसी ट्रेन को तो ओवरटेक कर रहे हैं, नाम तो यार यहाँ से नहीं पता चल पा रहा है। रेड बोर्ड की ट्रेन थी यार, ओवरटेक भी हो गया। अब यही वंदे भारत का ड्रॉबैक है कि चाह करके भी आपको ओवरटेक वगैरह नाम से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि गाड़ियों का नाम पढ़ने के लिए नहीं होता है। और सच कहूँ तो पता भी नहीं चलता, इतनी शांति होती है। पर जैसे जैसे दिखा ओवरटेक और यहाँ तक आया तब तक गाड़ी निकल गई बस। कृपया अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें। यहाँ पे लुधियाना जंक्शन अपनी ट्रेन पहुँच के बाहर, पक्का बहुत ठंड हो गई है। उतर के देखते हैं क्या हाल है, बताता हूँ आपको यहाँ पे पहुँचने का समय से लेकर सभी चीज़ें। फाइनली लुधियाना जंक्शन में जाके दरवाजे खुले और बाहर बढ़िया सी ठंड है। 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, 6:36 पे ट्रेन बिल्कुल डॉट ऑन टाइम पहुँच चुकी है। समझ लीजिए 3 घंटे 15 मिनट पे 311 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने तय की, यानी 311 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने तय की है। अपने हैंडलूम्स के लिए और साइकिल बिजनेस के लिए फेमस है, और यहाँ पे आपको जंक्शन है इसलिए तरह तरह के रूट्स भी मिल जाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं, ज़्यादा देर का फॉल्ट होता नहीं है, सेफ्टी सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है ना। आपको चंडीगढ़ वाली लाइन मिल जाएगी जो कि वाया मोरिंडा जाती है ना। एक बार अभी हम लोगों ने इंटरसिटी में ट्रैवल किया था जो कि अमृतसर से चंडीगढ़ के बीच में चलती है, तब मैंने आपको रूट दिखाया है। साथ साथ आप यहाँ से धुरी वाली लाइन की ओर जा सकते हो, रोहतक वगैरह जो आगे जाती है वो लाइन, और जाखल के लिए भी यहाँ से रूट गया हुआ है। और मोगा शताब्दी भी यहाँ से पहले चलती थी आप, जो कि सरबत दाबाला एक्सप्रेस हो चुकी है, मोगा के लिए भी रूट गया हुआ है। हम लोग बढ़ रहे हैं फगवाड़ा वाली लाइन पे, जो कि लगभग यहाँ से 35-40 किलोमीटर होगा। अगला स्टेशन फगवाड़ा, आधे घंटे 40 मिनट वो भी आ जाएगा, वो भी दिखाते हैं आपको। डिपार्चर लुधियाना से हो चुका है आप, लेकिन अंधेरा है बाहर तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा इसलिए आपसे। अपनी लुधियाना से निकली है ना, टोमेटो सूप आ गया है यहाँ पर, और सूप में एक ही वेराइटी थी टोमेटो का। चलो ट्राई करते हैं कैसा है। वैसे प्रीमिक्स वाले मुझे सूप में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, मुझे फ्रेश सूप ज़्यादा पसंद है। पता नहीं यहाँ पे कौन सी नदी हम लोग पार कर रहे हैं, दिखा तो मैं नहीं पा रहा हूँ, पर काफ़ी बड़ी लग रही है। और अपनी जो वंदे भारत वो धीरे भी नहीं हुई यहाँ पे। सूप बाकी यार, ट्रेन में सूप बेस्ट लगता है मुझे, सबसे हेल्दी चीज़ है, वो भी ट्रेन जर्नी के दौरान, इसके मज़े ही कुछ और होते हैं। काफ़ी बढ़िया है सूप, मैंने इसमें एक्चुअली 2 पेपर डाल लिए तो स्वाद जो इसका बढ़ गया है काफ़ी, इसलिए बढ़िया लग रहा है अभी फिलहाल। बाकी ट्रेन फगवाड़ा भी बस पहुंचने ही वाली है, बहुत सारे यात्री यहाँ पे ऑलरेडी दरवाजे के पास खड़े हो चुके हैं उतरने के लिए। बहुत छोटा सा हॉल्ट होने वाला है फगवाड़ा में, ज़्यादातर NRIs जो मैक्सिमम नंबर ऑफ NRIs फगवाड़ा में ही है इंडिया में, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर फॉरन निकल जाते हैं रहने के लिए, इसीलिए NRIs की सबसे बड़ी जगह कहा जाता है उसको। काफ़ी ज़्यादा ठंड है फगवाड़ा में दिल्ली के कंपैरिजन में। वंदे भारत यहाँ पे पहुँची 7:05 पे यार, देख लो कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह यहाँ पे चल रहा है। शताब्दी को भी यहाँ पे हॉल्ट दिया गया, जो कि सुबह सुबह अमृतसर से दिल्ली की ओर जाती है, स्वर्ण शताब्दी, तो वो भी यहाँ पे रुकती है। सिग्नल यहाँ पे प्रोसीड का हो गया मेरे नीचे आते ही। मेन चीज़ है ना ठंड के, तो ठंड के मज़े यहाँ पे आपको प्रॉपर मिलेंगे, जैसे जैसे से आप पंजाब साइड में जा रहे हो ना, जब हम लोग पंजाब में हैं जैसे, तो ठंड जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, अमृतसर जाते हैं तो एक्सट्रीम एकदम। दरवाजे बाईं तरफ खुले हैं। मेन ट्रेन जो वो यहीं पे खाली हुई है जलंधर आकर के, बहुत सारे लोग यहाँ पर उतरे हैं। ट्रेन नंबर 22487 वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है जलंधर। यहां से जम्मू वाली लाइन जो है, जो श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा के लिए जाती है, वो हमसे अलग होती है। और हम लोग अभी बढ़ेंगे BS जंक्शन होते हुए अमृतसर की ओर, जो कि लगभग यहां से 80 किलोमीटर के लिए बसता है। ट्रेन यहां पे पहुंची है 7:24 के आसपास, और 2 ही मिनट का हॉल्ट होने वाला है। एग्जैक्ट टाइम पर पहुँची है, 7:26 ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी, और लगभग 80 किलोमीटर है, तो मुझे लगता है 8:30-8:45 तक अमृतसर में हम लोग राइट टाइम पहुँच जाएंगे। ठंड जो है बढ़ती चली जा रही है। अब इसके बाद डिनर सर्व होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रेन का स्टॉप सिटी स्टेशन में नहीं दिया, केवल कैंट पे, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, इंतजार मत करना कि ट्रेन जाके सिटी पे भी रुकेगी, कैंट पे रुकेगी, बाकी आज के आगे हॉल्ट नहीं दिया गया। रास्ते अमृतसर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है।
यहाँ पे हमारी ट्रेन देख लीजिए जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन को धीरे धीरे स्किप कर रही है, मतलब हॉल्ट नहीं दिया हुआ ना यहाँ पे। बाहर वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद गाड़ी यहाँ पे रुकेगी, पर मुझे लगता नहीं कि इसे सिग्नल मिला हुआ है क्योंकि बहुत धीरे स्किप कर रही है। और वहाँ पे देखो पंगा मचा हुआ है, सब लड़े जा रहे हैं। जो ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स आया था उनकी वजह से बहुत दिक्कत हुई है ट्रेन पे। कोई एमपी एमएलए आया था, उसके साथ 20 लोग आए हुए हैं, पूरी ट्रेन में दिक्कतें फैला रखी हैं तब से। और जो पैसेंजर्स हैं उनको बेयर करना पड़ रहा है वहाँ पे। देखो केटरिंग के भी कुछ इशू आया है वहाँ पर, ट्रेन तो यहाँ रुक भी गई। अपना वो ब्यास होने वाला है और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि डिनर आ चुका है। डिनर में प्रॉपर छोले यहाँ पे दिए गए हैं, भाई पंजाब की गाड़ी है। और यहाँ पे पनीर में देखो कोई भी कंजूसी नहीं है, चावल में भी देखो एक छोटा टुकड़ा डाल दिया, चीज़ भी यहाँ पे पड़ी हुई है थोड़ी सी, और आलू की सब्ज़ी यहाँ पे दी गई है। रोटियाँ यहाँ पे तो एकदम गरम गरम आई थी, मैंने सब पैकिंग खोल दी है हर चीज़ की, साथ में अचार है, दही है। यहाँ पे देखिए रिफ्रेशिंग वाइप्स हैं, साथ में पेपर सॉल्ट सब चीज़ यहाँ पे दी गई है, टिश्यू भी है और चम्मच को भी बढ़िया पैक करके दिया हुआ था, वो भी मैंने हटा दिया। बाकी टेस्ट देखते हैं कैसा है इसका। फाइनली मैं डिनर की तारीफ कर ही रहा था, तब तक यहाँ पे बीएस रेलवे स्टेशन में ट्रेन रुक चुकी है, जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से अमृतसर के लिए एक घूम के लाइन गई हुई है। जब मैंने खेमकरण वाला रूट किया था ना, तब आपको वो दिखाया था मैंने, तरन तारण जंक्शन ऐसे कुछ काम था, वहाँ पे जाकर सीधा मर्ज होती है। बाकी ट्रेन में जो खाने पीने की वैरायटी मैंने आपको दिखाई ना, एक्चुअली में काफ़ी सही है। और मैं आपको पनीर एक बार दिखाना चाहूँगा, बहुत सॉफ्ट है ये, देखिए एकदम सॉफ्ट सा है। बहुत सारे ट्रेन में हार्ड पनीर मिलता है, काफ़ी सॉफ्ट है। और पंजाब में आए हैं तो जो छोले की वैरायटी मिली तो काफ़ी बढ़िया लगी, टेस्ट इन सभी चीज़ों का काफ़ी सही है। बाकी मैं रोटी से ड्राइवर ज़रूर रिव्यू करना चाहूँगा, क्योंकि ड्राइवर जो ऐसी चीज़ है ना जो एग्जीक्यूटिव क्लास को थोड़ा यूनिक बनाती है, क्योंकि ये आपको नॉर्मल क्लास में देखने को नहीं मिलेगा। ज़ोरदार स्वाद है, क्यों मलार भाई कैसे लगा? मुझे बहुत पसंद है, बढ़िया एकदम। मात्र 300 रुपये केटरिंग पे करने पे आपको इवनिंग स्नैक्स, डिनर और बीच में सूप वगैरह सब मिल जाता है, टोटली वर्थ इट। मतलब अगर आप कहीं स्टेशन से कहीं से नॉर्मल खाना भी खरीदोगे ना तो महंगा ही पड़ेगा, क्वालिटी गारंटी नहीं है। एटलीस्ट ट्रेन में आपको क्वालिटी गारंटी है, मान लो नहीं मिलता है उस दिन अच्छा आपको, तो शिकायत करने की गुंजाइश है आपके पास, ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि अगर मान लो तबीयत वगैरह डाउन भी है तो दही भी मिल जाता है, चावल भी मिल जाता है, सभी चीज़ें खा के आप काम चला सकते हो। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं है, खाना पीना अच्छा है। खाने को 10 में मैं 8+ रेटिंग देना चाहूँगा, खाना सबसे काफ़ी स्वादिष्ट है। अब आप लोगों से सीधा मिलता हूँ मैं अमृतसर जंक्शन में। अंधेरा ये बाहर को ज़्यादा खास ध्यान को है नहीं, मिलते हैं आपसे सीधा अमृतसर में। जो लोग भाई बीएस से हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना जरूर। ट्रेन में बिल्कुल ताज़े यहाँ पे गुलाब जामुन भी सर्व हुए हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतने फ्रेश वाले हैं। हमेशा तो कंटेनर वाले ही दे दिए जाते हैं, इनका साइज़ से और इनके टच से आप समझ सकते हो कि फ्रेश हैं। टेस्ट करते हैं कैसे। गुलाब जामुन यार मैं तो रिव्यू भी नहीं किया, डायरेक्ट खा लिया, इतना पसंद आया। अब बता दो कैसे थे? बहुत बढ़िया, एक नंबर। खोया भरा हुआ इसमें लग रहा है, खोए का टेस्ट आ रहा है मस्त। अच्छा है, बहुत अच्छा है, सर्विस तो अच्छी दी गई इसमें खाने पीने की। तो भाई हम लोग अमृतसर तो 8:30 पहुँच चुके हैं, लेकिन आपको बता दूँ ठंड इतनी ज़्यादा है ना, यहाँ आते ही जैकेट की लेयर डबल हो चुकी है। और ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो गाड़ी बहुत बढ़िया यार, 5.5 घंटे में इसने 8:30 बजे तक पहुँचा ही दिया यहाँ पे, मतलब 15 मिनट पहले ही, बल्कि गाड़ी तो ताबड़ तोड़ भागी है। इसकी तो मैं तारीफ करूँगा, दिल्ली अमृतसर को बेहतर कनेक्टिविटी मिल चुकी है। यहाँ से अगर आपको जाना है पाकिस्तान बॉर्डर तो 8:00 के लिए लोकल ट्रेन बहुत सारी चलती हैं यहाँ से, आप एक बार चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पर अमृतसर से 8:00 के बीच में। नहीं तो मेरे ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से उस ब्लॉग को देखिए, 8:00 जा सकते हो, 8:00 लास्ट विलेज ऑफ इंडिया घूम सकते हो, वहाँ से वाघा बॉर्डर जा सकते हो, बिटरेटिंग परेड देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत ये मौका होता है। ठंड में तो बहुत ही अच्छी लगती है, हमारे भारत के जवान पूरे जोश में होते हैं, वहाँ पाकिस्तान के भी जवान जोश में होते हैं, वो जो परेड होती है ना भाई क्या बताऊँ, गूज़बम्स आ जाएंगे आपको उस दिन, एहसास होगा एकदम रियल इंडियन वाली फीलिंग आएगी अंदर से, पूरा गूज़बम्स आएंगे। तो सभी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। पाकिस्तान के बॉर्डर तक सबसे करीब में जाने वाली यही है वो वंदे भारत एक्सप्रेस। तो हमारी लोकेशन और मलार भाई से की हेल्प से इसे जूम करते हैं। देखो लाहौर कितना करीब है अमृतसर से? ये 8:00। अच्छा ये रहा 8:00 बॉर्डर, ये हमें अरे 8:00 यहाँ पे है भाई, लाहौर की तरफ है 8:00, यहाँ पे ये रहा 8:00, देखो ये रहा 8:00, देखा यहाँ पे है वाघा बॉर्डर, एकदम करीब है हमसे। तो भाई पाकिस्तान के सबसे करीब जाने वाली वंदे भारत इंडियन रेलवेज की यही है, बहुत ही बढ़िया लगा। संदीप भाई कैसा लगा इसमें ट्रैवल करके? बढ़िया, ट्रेन को पंक्चुअल है, काफ़ी बढ़िया लगी। मतलब स्टाफ थोड़ा सा रूड था ना, केटरिंग वाला सर्विंग वाला स्टाफ थोड़ा सा मुझे ऑड लगा,
और केटरिंग का थोड़ा सुधार हो सकता है। चाय कॉफ़ी मांगी तो देने को कोई तैयार नहीं। ऐसे नॉर्मली लोग ट्रैवल करते हैं तो किसी ट्रेन ने एक्स्ट्रा चाय कॉफ़ी मांग लिया तो चलो ठीक है दे देते हैं भाई, एग्जीक्यूटिव क्लास में दे भाई, एग्जीक्यूटिव क्लास में। हाँ, और हम ये बोलते हैं कि अगर आप फर्स्ट क्लास में या फिर एग्जीक्यूटिव क्लास में आप जर्नी कर रहे हो तो एक चाय कॉफ़ी एक्स्ट्रा तो मांग सकते हो अगर आपका मन है। तो आज हमारा मन था कॉफ़ी पीने का पर मांगा हमने वो मिला नहीं, और थोड़ा सा स्टाफ जो था वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, लाइक वीआईपी ट्रीटमेंट आपको जो मिलनी चाहिए वो उसमें नहीं मिली। बाकी चलो ठीक है, बाकी मनहर भाई आपको ठीक है एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस था। मेन बात गाड़ी के बाद इतना ज़्यादा डिस्टेंस 5.5 घंटे में कवर कर रही है, नॉर्मल ट्रेनें मिनिमम आई गेस 6-7 घंटा लेती है। अरे यार बढ़िया गाड़ी भागी बहुत बढ़िया। मैं एक दिन सचखंड एक्सप्रेस से आया था दिल्ली से अमृतसर, आंसू आ गए थे। मैं एक बार उससे आया था सीएसटी चेन्नई सीएसटी वाली अमृतसर, सुबह चले थे रात में पहुंचे, उस पर भी 4 घंटा लेट खत्म हो गया था करियर उसमें। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।